और प्रहार में अब बात करेंगे बिहार, जो कि बाढ़ से बेहाल है। अक्टूबर में बिहार में बाढ़ आ गई, वो भी तब जब वहां बारिश उम्मीद से कम हुई। नॉर्थ बिहार के 19 जिलों पर कहर बरपा हुआ है, इसकी वजह क्या है, क्या कुदरत है या नेपाल और सरकार कहां है। बिहार की बाढ़ की एक ये रिपोर्ट आप देखिए, आपको एक एक वजह पता चल जाएगी। आफत किस शक्ल में आ जाएगी कोई नहीं जानता। उत्तर बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है, उसी दौरान आई हेलीकॉप्टर क्रैश की इस तस्वीर ने एक बार तो लोगों को डरा ही दिया। राहत पहुंचाने वाले वायुसेना की इस टीम पर ही आफत आ गई, वो तो गनीमत रही कि राहत सामग्री लेने पहुंचे गांव वाले बाढ़ के पानी के पास ही मौजूद थे। जब हेलीकॉप्टर पानी में गिरा तो फौरन मौके पर पहुंच गए और हेलीकॉप्टर सवार लोगों को बचा लिया। दरअसल दोपहर 3 बजे के करीब सीतामढ़ी से राहत सामग्री लेकर वायुसेना का हेलीकॉप्टर मुजफ्फरपुर के हरपुर बेसी गांव के ऊपर से राहत सामग्री गिरा रहा था। इस दौरान हेलीकॉप्टर कई राउंड लगा रहा था, लेकिन उसी दौरान अचानक से इंजन फेल हो गया, जिसके बाद बाढ़ के पानी में ही पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट ने समझदारी दिखाई, बाढ़ को उथले पानी में ही उतार दिया। हेलीकॉप्टर में वायुसेना के 4 कर्मी सवार थे, जिन्हें हल्की फुल्की चोट आई है, जिन्हें बाद में एनडीआरएफ और प्रशासन ने अस्पताल पहुंचा दिया है। जहाज गिरा है नीचे, ऊपर बरामद बम लिखा किया है। हम लोग नदी में थे, नदी में बाहर ये छोड़ गए, हम लोग जहाज गिरा, हम लोग सीधा आए, आदमी सब जवान निकाल के सब देखते थे, सब निकाल कर नीचे निकाल के ऊपर पहुंचाए हैं। यहाँ से सब हॉस्पिटल गया, भर्ती हो गया। अचानक आकर गिरा, अचानक आके गिरा। कौन किस एरिया में गिरा है? मधुबन है। मधुबन तो आप लोग कहाँ पर थे? यहाँ से मधुबन थे, फिर नाव लेकर आए हैं। नाव लेकर बाम से मारा तो फिर नहीं लेकर आए हैं। बताया जा रहा है कि हादसा राहत पैकेट गिराते वक्त हुआ। पहले हेलीकॉप्टर से एक जवान गिरा, उसके बाद तेजी से हेलीकॉप्टर नीचे आया। हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा पेड़ की टहनी से सट गया। कुछ लोगों ने चौपर के पिछले हिस्से में आग लगने का भी दावा किया है। तो फिर इसमें कुछ घायल भी हुए हैं? इसी के बाद बाढ़ के पानी में पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। हादसे के बाद वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बिहार में बाढ़ से राहत तो मिलती नहीं दिख रही है, आफत ज्यादा नजर आ रही है। खासकर नॉर्थ बिहार के 19 जिलों में तो बाढ़ के पानी से कहर बरपा हुआ है, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, नवगछिया, कटिहार, किशनगंज सबसे ज्यादा प्रभावित है। लेकिन सवाल है कि इस बार बिहार में बारिश भी नहीं हुई, फिर कैसे तबाही आ गई। मौसम विभाग के आंकड़ों की माने तो बिहार में इस बार सामान्य से 19% कम बारिश हुई है। इसके बावजूद कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान और गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर कैसे बहने लगी। बताया जा रहा है कि इस आफत के पीछे सबसे बड़ी वजह नेपाल है, जहां से आने वाली बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला और कोसी नदियां सबसे ज्यादा तबाही लाती हैं। और जब जब नेपाल में ज्यादा बारिश होती है, कोसी नदी के बीरपुर बैराज के सभी 56 और गंडक नदी के वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए जाते हैं। कहा जा रहा है कि बीरपुर में मौजूद कोसी बैराज से 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो 1968 के बाद सबसे अधिक है, जबकि गंडक पर वाल्मीकि नगर बैराज से 5.62 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो 2003 के बाद सबसे अधिक है। नॉर्थ बिहार को बाढ़ में डुबाने की सबसे बड़ी वजह यही है। कोसी बैराज से छोड़ा गया पानी किस तरह कहर बरपाता है, उसकी एक रिपोर्ट सहरसा से आई है, जहां स्कूल, थाना, घर सब कोसी में या तो डूबे हुए हैं या फिर आधे पानी में समाये हुए हैं। सहरसा के महसी इलाके का ये स्कूल है, जो आधा डूब चुका है।
इस वक्त सहरसा के महिषी ब्लॉक के बघवा पंचायत में है और यहाँ देखिए कि स्कूल परिसर की तस्वीर किस तरह से पूरा स्कूल कैंपस पानी से भर गया है। ये बच्चों के खेलने की जगह और जो इक्विपमेंट्स हैं वो किस तरह से डूब गए हैं। देखिए स्कूल कैंपस का जो बाहरी हिस्सा है जहाँ बच्चे खेलते हैं वहाँ पर पानी आ गया है और क्लासरूम के अंदर भी पानी है। ये पूरी बिल्डिंग देखिए किस तरह से स्कूल जो है बाढ़ के पानी से घिर गई है। क्लासरूम के अंदर भी पानी है, जो अंदर बेंच है बच्चों के बैठने की जगह वहाँ भी पानी में डूबा हुआ है और ये जो सामने का हिस्सा आप देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि नदी यहाँ पर आ गई है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। ये बीच का हिस्सा देखिए उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा डूबा हुआ। फिर आगे के हिस्से में देखिए जो टॉयलेट्स बने हुए हैं वो सारे टॉयलेट्स वहाँ पर डूबे हुए हैं, तो स्कूलों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है बाढ़ के दौरान। नॉर्थ बिहार में बिना बारिश के पानी की बाढ़ की सबसे बड़ी वजह नेपाल है और दूसरी सबसे बड़ी वजह गांव वाले बता रहे हैं। कह रहे हैं सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार है, पहले से कोई तैयारी नहीं होती, भुगतना जनता को पड़ता है। लोग बता रहे हैं कि रात 2 बजे नेपाल ने कोसी का पानी छोड़ा, बांध टूट गया जिससे बचने का और सामान बचाने तक का मौका नहीं छोड़ा। आगे यहाँ से करीब 10 किलोमीटर आगे भूबोल गाँव है, वहाँ पे अचानक से बांध टूटा परसों रात करीब 2:30 बजे के करीब, और वहाँ से पानी का जो रेला चला तो किसी को संभलने का मौका नहीं मिला, अचानक पानी आई। और जो भी है मौसम डिपार्टमेंट को पता था, गवर्नमेंट को भी उसने पता था, गवर्नमेंट को सब कुछ पता था कि रेस्क्यू के लिए पहले हम निकाल लें। लापरवाही वहाँ से हुई है, शुरुआत वहाँ से, अचानक पानी किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। यहाँ थाना स्कूल घर द्वार जितना जो कुछ भी है हर जगह जलमग्न है सबका। अगर किसी का 2 मंजिला है तो फर्स्ट फ्लोर सबका डूबा हुआ, 1 मंजिला वाले के छत के ऊपर से पानी है, और जिसका गेहूं है जिसका अनाज है वो निकाल नहीं पाया, वैसे ही अपने रोड पे आ गया वो जान बचा करके, कैजुअल्टी कुछ हुई नहीं है। बांध में कमजोरी यह है कि जब ये बांध का जो पुनर्निर्माण शुरू हुआ इस पे और मजबूती करनी चाहिए। जहाँ पे आप खड़े हैं ये 170 फीट चौड़ाई है इसकी, और इसकी हाइट काफी थी, ग्रेडर से वो खरोसते खरोसते बांध को जितना भी हो सका वो अपना उल्लू सीधा किया, उसी के ऊपर दोबारा से उसने पिचिंग कर दिया, कहानी खत्म। इसके होना ये चाहिए था, इसमें 6 फीट या 5 फीट और मिट्टी से पड़ना चाहिए था, जेएसबी होनी चाहिए थी, कंप्रेसर होना चाहिए था, तब जाके पिचिंग होता, तो ये बांध का ये नौबत होता नहीं। लोग ऊंची जगह पर जाने को मजबूर हैं, शिकायत तो यहाँ तक है कि सरकारी मदद भी बहुत दूर है। ये तो बहुत मुश्किल हो रही होगी आप। बहुत मुश्किल, बहुत खाना पीना का इतना मुश्किल है, सब हद से ज्यादा खाना नहीं मिल रहा है बच्चे के लिए, के पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, और क्या। घर में जो अनाज होगा वो डूब गया, सारे चीज भास गया, कुछ नहीं है, देखते हैं कुछ नहीं है हमारा के घर में। ये बताइए कि घर में जो अनाज था वो सब ले सकी नहीं, कोई भी नहीं ले पाए, पानी इतना जल्दी आ गया तो क्या कर दे आदमी। अचानक आया, अचानक आया पानी, रात को आया 2 बजे। उसके बाद टेंट वगैरह आप लोगों ने खुद बनाया? वो तो भास के पानी में ले के ऊपर किया, तो अपना आदमी सुबह में यह सब लगाया है। ये खुद आप लोगों ने बनाया? हाँ खुद बनाया। मदद वगैरह कुछ सरकार के स्तर? कुछ भी नहीं किया है सरकार, सरकार क्या करेगा, सरकार कुछ नहीं दे रहा है अभी, कुछ भी नहीं कर रहा है सरकार। रात 2 बजे जब पानी आया तो जलई थाने को भी अपने लपेटे में ले लिया, थाना डूब गया, माल खाने का सामान पानी में समा चुका है, कागजात को दूसरी मंजिल पर शिफ्ट किया गया है, थाना सड़क पर चल रहा है। कोसी में आई बाढ़ में कई पुलिस थाने भी डूब गए। हम इस वक्त सहरसा के जलई थाने में हैं और यहाँ पर आप देखिए पूरा थाना परिसर बाढ़ की चपेट में है। थाने में जब्त करके जो गाड़ियाँ रखी जाती हैं, कई 4-व्हीलर गाड़ियाँ जो है यहाँ पर पानी में डूब गई हैं, और जो थाने का जो मुख्य द्वार है यहाँ पर देखिए कितनी तेज़ रफ्तार से ये पानी बढ़ रहा है। अंदर के हिस्से की तस्वीर देखिए, अंदर चूँकि पानी बहुत ज़्यादा है हमारे लिए अंदर जाना संभव नहीं है। यहाँ देखिए ठीक नीचे के हिस्से में जो बैरक था जहाँ पुलिसकर्मी रहते थे उसका आधे से भी ज़्यादा हिस्सा डूबा हुआ है। ठीक बाईं तरफ कैदियों के रखने की जगह थी, लेकिन हर जगह पानी पानी। नाम है जलई थाना और जल का जो प्रकोप है वो यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। ये नीचे के हिस्से में क्या क्या था जो डूब गया? सारे बैरक था, डेरा था, सारे पदाधिकारी का मालखाना था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो सब हटा सके, वो भी डूब गए? नहीं नहीं वो सब हटा लिया है जी। और मालखाना वो सब डूब गया? मालखाना डूब गया है। और यहाँ पर पानी जब आया तो क्या बहुत तेजी से आया, अचानक आया, मौका नहीं मिला? अचानक आया, बांध का टूटने से अचानक पानी आ गया, मौका कुछ भी नहीं मिल सका।
ये बता रहे हैं कि किस तरह से थाने में पानी जब आया तो अचानक आया, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला और यही कारण है कि पूरा जो थाना परिसर है वो पानी से घिर गया है। यही हाल नॉर्थ बिहार के पूरे 19 जिले का है। सरकार पर सवाल उठा है, लिहाजा सियासत का मौका भी मिला है। ये दरभंगा की तस्वीर है। पप्पू यादव मोटरसाइकिल से बाढ़ ग्रस्त इलाके में पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसीलिए हम कर रहे हैं। पप्पू जी बताइए क्या कहेंगे? आप लोग नीतीश से कहा नहीं पूछते हैं, लालू से कहा नहीं पूछते हैं? ये जो स्थिति है बाढ़ की, तो स्थिति नरेंद्र मोदी से पूछे ना, जिसने जो कहता था, एक मिनिस्टर थे, कहता था कि हम तो जिंदगी भर रिजाइन नहीं करते, एक बांध टूट गया तो सर 10 बांध टूट गए। नेपाल से इतना डर क्यों लगता है? नेपाल पर प्रेशर गवर्नमेंट की क्यों नहीं है? जब मन होता है तब छोड़ देता है। अभी कम्युनिटी किचन हमने सब जगह शुरू करवाई, हर गांव में अभी 50-50 हज़ार रुपया देके कम्युनिटी, एक कम्युनिटी किचन नहीं है, सब लोग रो रहे हैं, सांप काट के मर रहा है। किसी कोई जनप्रतिनिधि आएगा ना, मेरा तो परसों बाप मरा है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई किसी को मतलब होनी चाहिए ना भैया। चुनाव में 40 हेलीकॉप्टर होते हैं, अभी एक भी हेलीकॉप्टर नहीं होगा। तो आपने क्या देखा? आप अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, ये जानवर की बदतर जिंदगी है भैया। 3 दिनों से भूखा है लोग सर, इतनी विराल बिक्री। भैया आपको तो पहले से पता था बारिश हो रही है, नेपाल की स्थिति अच्छी नहीं है, और हर साल काम क्या करते हैं आप एंटी रोजर का, ठेकेदार, चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग चीफ, एक्सिक्यूटिव इंजीनियर, सब बंदर बांट सर। मात्र 20% काम होता है इस इलाके में। वही तो आया हूँ। अगली खबर दिल्ली से, जहां जैतपुर इलाके में एक यूनानी डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पहली नजर में टारगेट किलिंग का केस है, क्योंकि बदमाशों ने रेकी करने के बाद डॉक्टर जावेद अख्तर की हत्या की है। ये वारदात रात करीब 2 बजे हुई, जब दो लड़के ड्रेसिंग के बहाने निमा हॉस्पिटल नाम के नर्सिंग होम पहुंचे। इनमें एक लड़के के पैर में चोट थी और वो एक दिन पहले भी ड्रेसिंग कराने आया था। केबिन में पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने डॉक्टर पर फायरिंग की और उसके बाद फरार हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली के कालिंदी कुंज थाना इलाके में एक छोटे से नर्सिंग होम में बीती रात एक यूनानी प्रैक्टिशनर, जो कि जिनका नाम जावेद अख्तर बताया जा रहा है, इनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दरअसल दो लड़के जिनकी उम्र तकरीबन 16 से 17 साल है, वो बीती रात तकरीबन 1 बजे के करीब इस नीमा हॉस्पिटल में आए, जो कि एक छोटा सा नर्सिंग होम है तकरीबन 3 बेड का, और यहां आने के बाद जो है वो ड्रेसिंग कराने के बहाने से आए थे, जिसमें से एक लड़के के पैर अंगूठे में चोट लगी हुई थी। और जैसे ही वो जावेद अख्तर, जो कि यूनानी प्रैक्टिशनर हैं, उनके कैबिन में पहुंचे तो उन्हें गोली मारकर दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि ये दोनों लड़के एक रात पहले भी आए थे और रेकी करके गए थे, यहां पर उन्होंने अपनी बैंडेज भी कराई थी रेकी के दौरान, और उसके बाद कल देर रात तकरीबन 1 बजे के करीब दोनों लड़के जो हैं यहां पर आते हैं, जिसके बाद जो यूनानी प्रैक्टिशनर हैं जावेद अख्तर, उन्हें गोली मारकर फरार हो जाते हैं। दरअसल जब गोली की आवाज हॉस्पिटल में मौजूद दो अन्य स्टाफ सुनते हैं तो वो आनंद फानंद में भागकर जावेद अख्तर के कैमरे की कैबिन की तरफ जाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि कैबिन में जो जावेद अख्तर हैं यूनानी प्रैक्टिशनर, वो अपनी टेबल पर सर रखकर पड़े हुए हैं, जिसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जो सीसीटीवी आसपास लगे हैं उनको खंगालने में लगी है, ताकि आरोपियों का सुराग मिल सके। अब पुलिस इसे टारगेट किलिंग का केस बता रही है, लेकिन इलाके के पार्षद के प्रतिनिधि के मुताबिक नर्स के विवाद में ये हत्या हुई है। ज्ञात हुआ है, हमें जो सुबह पता चला है, अपने साथियों के द्वारा पता चला है कि रात को 1 बजे के आसपास की दुर्घटना है। रात को 1 बजे के आसपास, क्योंकि जावेद डॉक्टर जो है लगातार रात को नाइट यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, तो रात को दो आदमी जो आए अंदर, एक वो जिस हिसाब से एंट्री करी है उन्होंने, वो ऐसा लगता था जैसे वो डैमेज है या उनके कोई चोट लगी हुई है। आते ही नहीं उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमें चेक करना, तो जैसे ही उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ बैठे हैं, तो डॉक्टर साहब अपने केबिन में बैठे हुए थे, तो केबिन में ही निकाल के और ऑन द स्पॉट उनकी गोली मार के हत्या कर दी। नहीं नहीं वो चल रहा है कि जो नर्स है जो यहाँ पे काम करती, तो उनकी कोई उनकी आपस की बातचीत थी, उसको लेके कोई विवाद था।